ये बड़े बड़े जो धर्म पिताएं नाम गिनाए, द ग्रेट रिलीजियस फादर्स हुज नेम्स वर मेंशन्ड, ये हद के बाप हैं कि बेहद के बाप हैं? आर दे लिमिटेड फादर्स और अनलिमिटेड फादर्स? क्या हैं? व्हाट आर दे? परम पिता परमात्मा के मुकाबले उनको हद का बाप कहेंगे। When compared to the Supreme Father, Supreme Soul, they will be called limited fathers. क्यों? Why? क्योंकि परम पिता परमात्मा को दुनिया की हर जनरेशन का व्यक्ति मानता है। It is because the people of every generation of the world accept the Supreme Father, Supreme Soul. Oh God Father, Christians भी कहते हैं। Even the Christians say, "O God the Father." मुसलमान कहते हैं, "O Allah, O खुदा." The Muslims say, "O Allah, O खुदा." हिंदू लोग परम पिता कहते हैं, भगवान कहते हैं। The Hindus call him Parampita, meaning the Supreme Father, भगवान। तो वो तो दुनिया की जितनी जनरेशन है। So he, the entire population of the world. आज दुनिया की जनरेशन 500-600 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। टुडे द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज एक्सीडेड 500 to 600 करोड़, दैट इज 5 to 6 billion। 500-600 करोड़ जनरेशन का वो बाप है। ही इज द फादर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 500 to 600 करोड़, इसलिए वो बेहद का बाप है। दिस इज व्हाई ही इज द अनलिमिटेड फादर। ऐसे नहीं, वो 500-600 करोड़ आत्माओं को ज्ञान देता है कि तुम बिंदु बिंदु आत्मा हो। इट इज नॉट दैट ही गिव्स नॉलेज टू द 500 to 600 करोड़ सोल्स, टेलिंग देम दैट दे आर पॉइंट सोल्स। जन्म देता है। इट इज नॉट दैट ही गिव्स बर्थ टू देम। बाप का काम जन्म देने का ही नहीं है। द ड्यूटी ऑफ अ फादर इज नॉट जस्ट टू गिव बर्थ टू द चिल्ड्रन। बाप का काम है बच्चा जब बड़ा हो जाए तो उसे वर्षा भी दे। It is also the duty of the father to give the inheritance to the child when he grows up. बाप वो जो बच्चों को वर्षा देवे। The father is the one who gives the inheritance to the children. तो वो बेहद का बाप बेहद के बच्चों को जन्म देता है। So the unlimited father gives birth to the unlimited children. और उन बेहद के बच्चों को सुख और शांति का बेहद का वर्षा देता है। एंड ही गिव्स देम द अनलिमिटेड इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस। एक जन्म का नहीं, नॉट द इनहेरिटेंस फॉर ओनली वन बर्थ, जन्म जन्मांतर का वर्षा देता है। बट ही गिव्स देम द इनहेरिटेंस फॉर मेनी बर्थ्स। वो धर्म पिता है इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, मोहम्मद, शंकराचार्य, ये कोई भी स्वर्ग नहीं बना पाते। नन ऑफ द रिलीजियस फादर्स लाइक इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, मोहम्मद, शंकराचार्य आर एबल टू एस्टैब्लिश हेवन। एक भगवान ही है जो इस सृष्टि पर आकर के कलयुग के अंत में आकर के नरक की दुनिया को स्वर्ग बना के जाता है। इट इज ओनली गॉड हु कम्स टू दिस वर्ल्ड एट द एंड ऑफ द आयरन एज, मेक्स द वर्ल्ड ऑफ हेल इनटू हेवन एंड देन गोज। ऐसा बेहद का वर्षा देता है। He gives us such an unlimited inheritance.